हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आज एसएससी जीडी के तीनों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन मिल सके। आप लोग मेरे वीडियो का इंतजार भी करते, काफी लोगों के मैसेज आने लगते हैं, जैसे थोड़ा सा भी वीडियो लेट हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ कि क्वेश्चन कलेक्ट करने में सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए टाइम लग जाता है। वैसे तो मैं क्वेश्चन ला सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन होता है कि क्वेश्चन बिल्कुल 100% जब सॉलिड होता तभी मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन मिल सके। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन ये आया था, चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की? तो मौर्य वंश हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था बच्चों, थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। वैसे मैंने मर्ज कर दिए क्वेश्चन सारे एक दूसरे से। अब इसकी देखो, मैंने डिस्क्राइब डिटेल भी लिख दी है। यहाँ लिखा था कि ईसा पूर्व 223 में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जो घनानंद था ना, उसको पराजित किया और क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। अरे घनानंद, और वहां पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये वैसे आया नहीं था, ये मैंने बता दिया है, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। पूछ लिया जाता नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आता फुटबॉल खेल का जो समय है वो कितना होता है, तो 90 मिनट होता है। फुटबॉल खेल का समय होता है 90 मिनट। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ, अलग अलग 11-11। ठीक है, अब जो 90 मिनट का खेल होता है उसमें 45-45 मिनट के दो मध्यांतर होते हैं, यानी कि इसमें बीच में 45 मिनट का फिर दूसरा एक गैप होता है, फिर 45 मिनट का मैच होता है। ठीक है, इनमें से विभाजित किया गया है, जो ये टाइम है इसमें से विभाजित किया गया है। बच्चों, मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर। यहाँ पे जैसे कि मैं आप अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, आप लोग यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं धनंजय प्रताप सिंह के नाम से। आप लोग देख कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस मिल जाता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, आपका क्लब बैच चल रहा है, आइकॉनिक बैच चल रहा है, और रेज हैंड का फीचर जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ पे रेज हैंड के माध्यम से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं रेज हैंड में, यानी कि जैसे कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, पूछ के सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ पे 21 नवंबर को देखो, जो ये टेस्ट सीरीज 21 नवंबर को 10 बजे चलेगी, सुबह 10 बजे। ठीक है, और ये देखिएगा आपकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये देखिएगा आपकी चल रही है, सर ये प्लस वाली फ्री वाली एक ये है, ये लास्ट में 28 नवंबर को। देखिए, एक 21 नवंबर को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है, एक 28 नवंबर को, तो ये इसमें जरूर आप भाग लीजिए, देखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग प्लस कोर्स लेते हो तो मिटेक्सा कोड का यूज कर सकते हो, कोई भी एग्जाम का अगर आप कोर्स लेते हैं तो ये कोड यूज कर लीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए खैर, फिर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आज हम लोग को डिस्कस करने पूछने हैं। तो अच्छा, जैसा कि क्वेश्चन और आ जाते हैं, यहाँ पे आया था मुमुच्छू का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जो मुमुच्छू होता है उसका अर्थ क्या होगा। देखिए, ये एक तरह का कह सकते हो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था। ठीक है ना, अब इसका हो जाता है मुक्ति या मोक्ष पाने का इच्छुक, जैसे मुक्ति पाने की इच्छा हो या मोक्ष पाने की इच्छा हो, तो मुमुच्छू कहते हैं। कृपया की शुद्ध वर्तनी आई थी, उसमें गलत लिखा होगा, लेकिन कृपया ये सही लिखा हुआ है, कृपया जो ये लिखा ऐसे लिखा जाता है, तो शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। ठीक ना, हुक्का पानी बंद करने का मुहावरा अर्थ क्या होगा, जो हुक्का पानी बंद कर देना इसका मुहावरा क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपने समाज से दूर कर देना, अपने समाज से बेदखल कर देना, दूर कर देना, ये सारा इसका आंसर हो जाएगा। मीठे बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो मीठा बोलता है उसे क्या कहेंगे, मृदुभाषी कहेंगे। ठीक है, जो अच्छा बोलता है, काफी बढ़िया बोलता है, उसे मृदुभाषी कहेंगे। किसी को, अब ये देखो हुक्का पानी का यहाँ पे देखो आ गया है, ठीक ना, हुक्का पानी का जो अर्थ है ये इससे संबंधित है। ठीक ना, किसी को जाति बरादरी से अलग कर देना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो है ये खैर गलत है, यहाँ पे जो 2020 का वर्ल्ड 2022 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा, तो कतर में होगा। कहाँ पर होगा, 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होगा। ठीक है, ये आपका पूछा गया था, 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो कतर में, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड कहाँ पर होगा, 2021 में, सॉरी ये किसे मिला, तो रजनीकांत को मिला, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये रजनीकांत को मिला था 2021 में। ठीक है ना, 21 वाला जो है। अब ये देखिए बच्चों, एक चीज मैं और बता देता हूँ आपके लिए, मैं टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक का, तो आप लोग प्लीज लाइक 5000 का जरूर करिएगा टारगेट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 5000 लाइक जरूर कर देंगे। जैसे मैं टारगेट देता हूँ आप लोग जरूर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँ, जो भी एग्जाम सेंटर से एक्यूरेट बिल्कुल 100% सॉलिड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और अच्छा लगता है। यहाँ पता है एक एक का अर्थ क्या है, तो एक एक का अर्थ होता है एक के बाद एक, प्रत्येक या हरेक, ये इसका अर्थ होता है एक एक का, प्रत्येक हरेक या एक के बाद एक, ये इसका अर्थ होता है एक एक का। जब आप यहाँ पे ये गलत लिखा है, साइमन कमीशन बाद आता है, साइमन कमीशन के बाद कौन सी घटना घटी, इसका भी आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा क्या घटना घटी। ठीक है ना, वैसे ही क्वेश्चन आया था, मैंने आपके लिए रख दिया है कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब तो आईसीसी में सबसे कम उम्र वाला अंपायर कौन है, तो नितिन मेनन है। कौन है, नितिन मेनन। आईसीसी में जो सबसे कम उम्र वाले जो आपके कप्तान है वो नितिन मेनन है। पीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पीओपी का। अतः मीठा बोलने वाला, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मृदुभाषी, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी कहते हैं। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन हो ही चुका है। अब देखिए जल का पर्यायवाची पूछा गया, थर्ड सेप्टर पूछा गया, तो नील सलिल अंबु अंब उदक तोय जीवन। देखिए मैं थर्ड एग्जाम सेंटर खुद जाता हूँ, आप लोग खुद देखते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं, और जो फिर काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं आप लोगों के माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम जो भेजे जाते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे जैसे कि यहाँ पे लग रहा है टाइपिंग, यहाँ पे लग रहा है टाइप जो किया गया मिस्टेक हो गया, अभी इतना ये कंटेंट पूरा मिस्टेक टाइप गड़बड़ हो गया, पूरा पूरा को पूरा टाइपिंग मिस्टेक। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए आपके लिए मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। तो देखिए उसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कि श्रीलंका का मंदिर, श्रीलंका में कौन सा मंदिर है, तो कौन सा है, गंगा रमैया मंदिर, ठीक है। अब आता प्रथम, यहाँ पे आता सर्वप्रथम पद्म श्री बंगाली महिला कवि किसे मिला, तो ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया इसका आंसर। यहाँ पे आया था यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में भारत का चाल जो आपका 40वां स्थल जोड़ा गया है वो कौन सा है, यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है भारत में 40वां स्थल कौन सा जोड़ा गया, तो धौलावीरा हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, धौलावीरा, जो 40वां स्थल जोड़ा गया है वो धौलावीरा होगा, ठीक है। यहाँ पे आता मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल क्रिकेटर कौन है, तो कौन है, जोफ्रा आर्चर है, कौन है, जोफ्रा आर्चर, जो मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल क्रिकेटर है जोफ्रा आर्चर है। अब आता अंधकार का पर्यायवाची क्या है, तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा, तिमिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची तिमिर। अब आता है क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्रोध का विलोम हो जाएगा शांति, क्रोध का विलोम शांति हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आ जाता है 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे भारत का उसमें स्थान क्या रहा था, तो तीसरा रहा था। अब आप लोग कमेंट बताएंगे, देखिए कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं, पहला स्थान कौन रहा था, मैं ऑप्शन दे जाता हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा इसमें ऐसा भी हो सकता है राष्ट्रमंडल खेल में अमेरिका आता ही ना हो, कोई देश इनमें से आता ना हो, अब आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है ना। ये मैंने डिटेल भी लिख दी, राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे कहाँ पर हुए थे, गोल्ड कोस्ट में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया यानी कि, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। इसका बाकी क्या था, शेयर द ड्रीम था, ठीक है ना, इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 71 देशों ने, ये इंपॉर्टेंट बस इतना बनता है, और खिलाड़ी कितने, 4426, ये बस इंपॉर्टेंट इतना बस, और फिर नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आता धरती और आकाश के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अंतरिक्ष कहते हैं, जो धरती और आकाश के मध्य में जो आता आ जाएगा उसे कहते हैं अंतरिक्ष। अब देखिए श्रीलंका के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे है, कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, ये आया नहीं था लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन आया था श्रीलंका संबंधित वो मंदिर वाला, तो मैंने ये भी जोड़ दिया था इसीलिए। यहाँ पे आता पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो लियाकत अली खान है, कौन है, लियाकत अली खान प्रथम प्रधानमंत्री। अब कुछ लोग वहाँ पे अली जिन्ना कर देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। नारायण शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि है, नारायण शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हो जाएंगे। अब आता कपास के उत्पादन में भारत का स्थान क्या, तो फर्स्ट है, दूसरे नंबर पूछ लिया जाए तो चाइना करोगे, पूछ सकता है कि कपास के स्थान उत्पादन में दूसरे नंबर कौन है, तो चाइना हो जाएगा। अब आता 29वां ब्यास सम्मान किसे मिला, 29वां ब्यास सम्मान किसे मिला, सम्मान तो नासिर शर्मा को मिला, किसे मिला, नासिर शर्मा को। अब आता समानता का अधिकार का मतलब क्या है, तो क्या है कि सब लोगों को समान अवसर मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर अनुच्छेद लिख दी 14, 15, 16, 17, 18 में ये समानता के अधिकार को यहाँ पर रखा गया है। अक्टूबर 2020 तक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे स्वच्छ घोषित कर दिया गया, अभी इसका क्लियर आंसर नहीं हो पा रहा, जैसे ही हो आप लोग कमेंट बताइए या जब होगा तो मैं बता दूंगा, और ये मैंने डिटेल कुछ लिख दी है आपके लिए जो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा एक दो दिन में, तो आपको हम मिल जाएगी। मोल का समानार्थी क्या होगा, तो कीमत और मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीमत और मूल्य हो जाएगा इसका मोल का समानार्थी। अतः आशापूरा देवी को कब साहित्य पुरस्कार मिला, तो 1976 में इनको साहित्य पुरस्कार मिला था आशापूरा देवी को। यहाँ पे आता इंसुलिन हार्मोन की कमी से, सॉरी इंसुलिन हार्मोन जो होता है कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो पैनक्रियास से निकलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आपका पूछा गया था जो स्वच्छ थे, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ कौन था, तो इंदौर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई, ये ध्यान रखिएगा 1 लाख से अधिक वाले में। 1 लाख से कम वाली आबादी में कौन सा है, तो कराड़ मध्य महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक ना, सातवद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी लोनावला भी महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सबसे स्वच्छ राज्य है, ठीक ना। 100 से अधिक राज्य जिस राज्य मतलब स्वच्छ शहरों वाला राज्य कौन सा, जिससे 100 से ज़्यादा स्वच्छ हो राज्य, ठीक ना, तो कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यही सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी वीडियो है उसका सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, तब तक आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।